तो पीएम मोदी आज वाराणसी के उमराह में बने स्वर्वेद महाधाम मंदिर के कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम ने कहा कि इच्छा शक्ति से बड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है, डबल हो गई है। इस बदलाव से काशी ने यह दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। पीएम मोदी ने जिस मंदिर के दर्शन किए उसे किसने बनवाया है, उसकी क्या खासियत है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सर्ववेद यानी स्ववेद, दूसरे अर्थों में इस शब्द का मतलब स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना है। मंदिर में पूजा की जगह मेडिटेशन किया जाएगा। पीएम मोदी ने आज इस मंदिर का निरीक्षण किया, मंदिर की भव्यता और खासियत के बारे में जानकारी ली। 7 मंजिला इमारत 35 करोड़ की लागत से बना है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, 20,000 से ज्यादा लोग कर सकते हैं मेडिटेशन। 64,000 स्क्वायर फीट में मंदिर है। सर्ववेद मंदिर 180 फीट ऊंचा है। 2014 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य, सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान ने किया निर्माण। ये मंदिर साधना का विशालतम केंद्र है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी महर्षि सदाफल देव जी महाराज और सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संत समाज से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आज सर्वदेव मंदिर में महर्षि सदाफल देव की जल यात्रा का शताब्दी महोत्सव और विहंगम योग संत समाज का 98वां वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। सर्ववेद के अनुयायी भारत के साथ साथ विदेशों में भी हैं। मंदिर में मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 3137 सर्ववेद के दोहे लिखे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।